हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक कटोरी हम चना दाल लिए हैं, ये देखिए इसको बॉयल किए हैं, इसको हम बॉयल कर लिए हैं। इधर हम हरा धनिया लिए हैं और लहसुन मिर्चा अदरक बारीक दरबरा कूट लिए हैं। कढ़ाही रख दिए हैं, गर्म हो रही है तो इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा इसमें डाल दिए हैं। ये जो दरबरा कूटे हुए लहसुन मिर्चा अदरक उसको हम ये देखिए ब्राउन कर रहे हैं, तो इसका हल्का भूंज ब्राउन करेंगे, कच्चापन निकल जाए, ज़्यादा हमको नहीं ब्राउन करना है। इस तरीके से हम इसको पका ले रहे हैं। तो ये चना दाल भी इसमें हम डाल दिए हैं। ये चना दाल को चला लिए हैं तो इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल के इसको अच्छी तरीके से हम बराबर चला रहे हैं, ताकि हल्दी बराबर से मिल जाए। इसमें स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं। इसको इस तरीके से चला ले रहे हैं, सभी चीज़ अच्छे से मिल के पक जाए। ये देखिए पक गया है, तो हम सील पे अब इसको पीस ले रहे हैं बारीक। ये बॉयल है तो हमारा बहुत जल्दी पिसा रहा है। इधर हम मैदा लिए हैं एक कटोरी मैदा हम बाउल में पलट लिए। इसमें 3 चम्मच हम ऑयल डाल रहे हैं। अजवाइन हाथ से रगड़ के हल्का से डाल दे रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक, मीठा सोडा हल्का से इसमें हम डाल दिए हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से हम चम्मच के सहारे से ये देखिए मिला ले रहे हैं। इसको चला के अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं, मैदा में ऑयल अच्छे से मिल जाए। ये देखिए मुट्ठी बनने लगा है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम मैदा लगा रहे हैं। ये मैदा लगा लिए हैं, इसको 10 मिनट तक ढक देते हैं ताकि सेट हो जाए। ये चना दाल है पीसे हुए हैं, 10 मिनट हो गया तो मैदा हम देख ले रहे हैं सेट हो गया। इसको हाथ से इस तरीके से हम इसको मसल ले रहे हैं। इसकी 2 लोई तैयार कर रहे हैं, बड़ी बड़ी, छोटी लोई हमको नहीं लेनी है, 2 लोई ये तैयार कर रहे हैं। इसमें हम सूखा मैदा लगा के इस लोई को बड़ी करेंगे, तो इस तरीके से सूखा मैदा लगा के हल्का हल्का हाथ के सहारे से हम बड़ी कर रहे हैं। ये दोनों लोई को एक बराबर से हम बड़ी कर ले रहे हैं। चम्मच से जो हम चना दाल लिए हैं उसको ये देखिए बराबर से इस पर हम लगा रहे हैं। ये बराबर से चना दाल को इस पर हम लगा दिए हैं। ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से हम बराबर से किनारे किनारे छोड़ दिए हैं, अभी लगा दिए हैं ये, तो किनारे किनारे हल्का सा हम हाथों के सहारे से पानी लगा रहे हैं। इस तरीके से हम पानी लगा दे रहे हैं चारों तरफ। एक लोई ऊपर से हम रख रहे हैं इस पर। ये देखिए इसको चारों तरफ से हम दबा रहे हैं ताकि फूटे ना, ये बहे ना मैदा इसमें। ये देखिए हाथ से इसको हम बड़ा कर रहे हैं धीरे धीरे, इस तरीके से हाथ से इसको हम फैला के बड़ा कर ले रहे हैं। इस पर हल्के हाथ से हम बेलन चला के बराबर कर ले रहे हैं ताकि एक जैसे बराबर हो जाए ये। हल्का सा ऑयल ऊपर से लगा दे रहे हैं। इसमें हम सूखा मैदा लगा के ये देखिए अच्छी तरीके से इसको बराबर करके फोल्ड कर रहे हैं। ये फोल्ड कर लिए हैं, ये हमारा फोल्ड हो गया, तो इसको हम चाकू लेके बराबर से छोटी छोटी पीस में हम काट दे रहे हैं। ये छोटी छोटी पीस कट गई है, देख लीजिए इस तरीके से। इसको हाथ से हल्के हाथ से दबा दे रहे हैं। तेल गर्म है, धीमी आँच में इसको हमको पकाना है, तो सभी हम मठरी डाल दे रहे हैं इसमें। इसको हम पलट दे रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए ब्राउन हो रहा है,
प्लेट में हम निकाल लिए हैं। देखिए इस तरीके से खस्ता मठरी बन गई है, इस तरीके से मठरी बन के रेडी हो गई है। अगर मेरा तरीका आप लोग को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।